समर्थन भी मांगने आए हैं, क्योंकि पीएम मोदी का ये जो रोड शो है ये आपको बता दें कि 3 विधानसभाओं से होकर गुजरा है और अब ये आखिरी पड़ाव है, क्योंकि सामने है बाबा विश्वनाथ का मंदिर और यहाँ पर ये खत्म होगा रोड शो। लेकिन उसके आगे भी कार्यक्रम है, इसके आगे जब मंदिर में दर्शन करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी आगे बढ़ेंगे तो मदन मोहन मालवीय की मूर्ति पर माल्यार्पण किया जाएगा और उसके बाद आज के कार्यक्रम पीएम के खत्म होंगे। आज रात्रि विश्राम काशी में ही है और उसके बाद कल भी है कार्यक्रम, कल एक जनसभा है, लेकिन आज का जो रोड शो है इससे बीजेपी की बाजियां जरूर खिली होंगी। हालांकि ये कोई नई तस्वीर नहीं है, पीएम जब जब काशी में आते हैं तो ऐसा ही स्वागत उनका होता है, ऐसा ही प्रेम उन्हें मिलता है, लेकिन ये भीड़ ये प्रेम वाराणसी में एक बार फिर से तो रिकॉर्ड तोड़ेगा जो 2017 में बनाया था बीजेपी ने। इस भीड़ को देखकर तो आप जरूर अनुमान लगा सकते हैं कि इसका जवाब क्या होगा, लेकिन जो असली नतीजे हैं, जो सही बात होगी वो 10 मार्च को ही पता चलेगी, क्योंकि 10 मार्च को नतीजे आ जाएंगे। लेकिन ग्रैंड फिनाले आप आज ही समझ गए, आखिरी चरण बचा है और इस आखिरी चरण में बीजेपी कोई चूक नहीं चाहती। इसी वजह से एक तकरीबन 26 घंटे का पीएम मोदी का ये स्टे है वाराणसी में, 26 घंटे आज और कल पीएम मोदी यही रहने वाले हैं और बनारस का जो आशीर्वाद है वो पहले भी मिलता रहा है बीजेपी को, पीएम मोदी को, और यही वजह है कि बनारस के हीरो तो पीएम ही बनकर निकले हैं बीजेपी के लिए। लेकिन क्या इन चुनावों में भी बीजेपी ऐसी भूमिका निभा पाएगी ये बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी तक जो प्यार है वो खत्म नहीं हुआ है। आप देखिए जो सड़क पर भीड़ सुबह से ही जारी है, लोग 11 से 12 बजे से ही लगातार पोजीशन लिए खड़े हुए हैं, वो इंतजार में थे कि जब पीएम का काफिला यहां से गुजरेगा तो हम हाथों में फूल लिए उन पर न्यौछावर करेंगे और पीएम मोदी को देखना चाहेंगे, जो हमारे तमाम सहयोगी ने उनसे बात की और उससे पता भी चला। लेकिन 3 किलोमीटर में एक भी ऐसी जगह नहीं थी जहां भीड़ भरपूर ना हो। और ये देखिए, दर्शन भी कर लीजिए आप एबीपी गंगा के माध्यम से, बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी आपको करा रहे हैं और जब पीएम अंदर जाएंगे, जब आशीर्वाद लेंगे बाबा विश्वनाथ का, तो वो हर एक बहुमूल्य तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। ये दो तस्वीरें देखिए, चाहे दिन की तस्वीर हो चाहे रात की तस्वीर हो, लोगों का इंतजार खत्म नहीं हुआ सुबह से लेकर, और अब देखिए शाम ढलने वाली है और अभी भी हाथों में लोग लाइट लिए हुए खड़े हैं, पीएम मोदी को अपनी तरफ से फूल अर्पित कर रहे हैं, मालाएं भेंट कर रहे हैं, पटके अर्पित कर रहे हैं और पीएम मोदी भी किसी को भी निराश नहीं कर रहे, हर किसी पर उनकी नज़र है, हर किसी का अभिवादन वे स्वीकार कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये लोग कितनी देर से उनका इंतजार कर रहे हैं और यही तो प्यार है जिसे लेने के लिए वे दिल्ली से बनारस तक आए हैं और माँ गंगा के पुत्र हैं। माँ गंगा जब जब उन्हें बुलाती है तो वे खिंचे चले आते हैं, ये उन्होंने कई दफ़ा अपने भाषणों में कहा है और आज भी प्रधानमंत्री मोदी इस रोड शो में काशी की जो जनता से कनेक्ट है, जो एक संबंध है वो दिखा रहे हैं, वो बता रहे हैं। और ये देखिए उद्घोष हो चुका है, हर हर महादेव के जय घोष के साथ शुरुआत हुई थी इस रोड शो की और अब जब रोड शो खत्म होने वाला है तब भी वही जयकारे आप सुन पा रहे होंगे। भीड़ आप देखिए, रात हो चुकी है लेकिन जो जगमगाहट है काशी की वो इसकी सुंदरता को और ज़्यादा बढ़ा रही है, जो मंदिर की खूबसूरती है वो और ज़्यादा इस कार्यक्रम की भव्यता को बढ़ा रही है। और अब देखिए, अब आगमन हो चुका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीधे आप देख सकते हैं काशी विश्वनाथ में उनकी एंट्री होते हुए हाथ जोड़कर वे सीधे आ रहे हैं, गाड़ी पूरी तरह फूलों से पटी पड़ी है, फूल मालाएं जो वहां मौजूद लोगों की तरफ से दी गई उससे पूरी गाड़ी की जो छत है वो भरी हुई है, हाथ जोड़कर ही पीएम मोदी की एंट्री अब हो रही है। और अब देखिए, अब वे यहां से अंदर पैदल ही आगे बढ़ेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रणाम किया है और इसके बाद विधिवत। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें देखिए, अब यहां पर रोड शो खत्म हो चुका है क्योंकि अब वे पहुंच चुके हैं काशी विश्वनाथ के द्वार पर और 3 किलोमीटर का ये लंबा रोड शो रहा है और